Clash of Clans. हाँ भैया, तो चले चल मैं हूँ आपका फेवरेट यूट्यूबर। हाय वसीम, कैसे मेरा आदमी? तो भैया जी, एक नहीं बहुत सारे टी-शर्ट्स हैं, वो स्ट्रिप वाली टी-शर्ट्स अब यूज करना बंद तो नहीं करेंगे, कम करेंगे, लेकिन अब कोई नहीं बोलेगा कि सुमित वापस आ गया, वही एक ही टी शर्ट है क्या सुमित तेरे पास? भाई साहब पूरा कबर्ड लोड करवा दिया नई टी शर्ट से। वन लाइक फॉर माय टी शर्ट। तो गाइज वापस आ चुके अभी हम लोग हमारे क्लैश ऑफ क्लैंस के अंदर। एंड जब मैंने मेरा टाउन हॉल 12-13 किया था, तब मैंने आप लोग बोल दिया था कि भाई साहब आप सभी लोगों को नेक्स्ट राउंड पे जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चीज आ रही है और वो बड़ी चीज गेम के अंदर आ भी चुकी है, जो मैंने आप लोगों को बोला था। तो फिलहाल बढ़ते हैं अभी हम लोग हमारे गेम के अंदर एंड करेंगे कुछ का कर्म। देखते भाई साहब क्या क्या कर्म कर सकते हैं आज हम लोग गेम के अंदर। हाँ भाई साहब, तो आ चुके अभी हम लोग हमारे टाउन हॉल 13 के ऊपर। 3-star टाउन हॉल 13 हो चुका है। अभी देखो हमारे यहाँ पे वॉर लगी है 50 vs 50 की, एंड इस वॉर में हमारे टाउन हॉल 14 भी है भाई साहब। तो भाई साहब हम लोगों ने यहाँ पे 50 vs 50 की वॉर लगाई है, एंड अगर हमारे क्लैन की स्ट्रिक देखेंगे तो 27 की स्ट्रिक चल रही है, 27 की स्ट्रिक चल रही है। एनिमी क्लैन की देखेंगे तो 5 की स्ट्रिक चल रही है, रशियन क्लैन है। अब लोगों पे जो लोग हैं उनको पता है रशिया से हमारा एक अलग ही नाता है। तो चलो भैया अभी हम लोग बहुत सारी चीजें करनी है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे जो हमारे स्कैटर शॉट्स है वो बिल्ड करे ही नहीं है भाई साहब। अभी हम लोग हमारे दोनों के दोनों स्कैटर शॉट्स बिल्ड करने पड़ेंगे, उसके लिए चाहिए पैसा। एंड हम लोगों को एक आर्मी कैंप बिल्ड करना पड़ेगा, ये रहा लेवल 10 का आर्मी कैंप, इसको लेवल 11 करना है। बाकी सारे आर्मी कैंप हमारे मैक्स है, 295 स्पेस हो चुका है। तो हम लोगों को चाहिए पैसा इसके लिए, 1,28,00,000 एलिक्सर। तो गाइस फिलहाल हम लोगों को दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें करनी है, जो कि हमारे स्कैटर शॉट्स और दूसरा है हमारा आर्मी कैंप। तो वो दोनों करने के लिए हम लोगों को चाहिए पैसा, पैसा कम पड़ रहा है हम लोगों को। तो चलो भैया 150 रुपए की लूट मारेंगे अच्छी खासी, देखेंगे कैसा नाइस बेस पर लूट नहीं है, अच्छी लूट चाहिए हम लोगों को। ये देखो 6,00,000 की लूट है, लेकिन इसके ऊपर वापस हम लोग नहीं करेंगे, हाइब्रिड आर्मी के साथ अटैक करें। हम लोगों को आर्चर क्वीन को भी अपग्रेड करना है भाई साहब। ओके गाइस, हम लोगों को मिल चुकी है लूट, 8,00,000 लगभग 80,000 की लूट है, गोल्ड 7,50,000 एलिक्सर है और 7,200 डार्क एलिक्सर है। 5-star टाउन हॉल 13 है। एंड गाइस अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो तो भाई साहब सब्सक्राइब कर देना, कर दो सब्सक्राइब कर दो। चलो भैया जी अभी देखते हैं, लेवल 69 की आर्चर क्वीन है। मैं देखिए 69 मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि 69 को उल्टा करेंगे तो भी 69 ही आता है। तो फिलहाल हम लोग इस बेस के ऊपर अटैक करेंगे यहां से। ओके, एक बलून डालेंगे। बलून क्यों डालना होता है, एक प्रो टिप, बलून इसलिए डालना होता है क्योंकि कोई भी सीकिंग एयरमाइन होगा तो वो आपके हिलर को बचाएगा, बलून आपके हिलर को बचाएगा। तो यहां से फिलहाल हम लोग फनल बनाने का काम कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे देखेंगे जाती कहाँ पे हमारी आर्चर क्वीन। यहाँ पे एक हेड हंटर डाल देंगे, नाइस। तो भाई साहब यहाँ पे 3-star हम लोग करना ही पड़ेगा, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग क्वीन के ऊपर एक रेज स्पेल, नाइस। यहाँ पे एक और बलून डालेंगे, यहाँ पे एक और बलून डाल देंगे। ओके, मल्टी है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक और वॉल ब्रेकर, देखो सीकिंग एयर माइन निकला वहाँ से एंड बलून ने गलत एक हिलर हमारी वापस मर चुकी है। एंड यहाँ पे ये जो है टारगेट कर रहा है हमारी हिलर्स को, हिलर्स बहुत ज़्यादा टारगेट हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग किंग को, यहाँ पे डाल देंगे हम लोग एसबी को, क्वीन का काम खत्म होने वाला है यहाँ पे। लेट्स होप की क्वीन यहाँ से टाउन हॉल ले ले। ओ भाई साहब मुझे नहीं लगता ले पाएगी, किंग की एबिलिटी मार देंगे, हमारा पूरा क्वीन वॉक बिगड़ चुका है। यहाँ पे हम लोग सारे के सारे माइनर्स, यहाँ से पीछे से आएंगे सारे के सारे हॉक्स, यहाँ पे आएगी हमारी रॉयल चैंपियन, उसके बाद एक हेड हंटर भी डाल देंगे, यहाँ पे एक हिल स्पेल डाल देंगे हम लोग, थोड़ा सा वेट करेंगे, रेज स्पेल आएगा यहाँ पे, एक यहाँ पे एक पॉइजन आएगा स्केलेटन्स के ऊपर, क्वीन की एबिलिटी आ जाएगी। ओके, यहाँ पे 1, 2, 3 गो, बुड्ढे की एबिलिटी हम लोगों ने परफेक्ट दे दी। यहाँ पे एक और रेज स्पेल डाल देंगे हम लोग, लेवल 40 का बुड्ढा है। उसके बाद यहाँ पे एक हिल स्पेल डाल देंगे हम लोग, एंड आई थिंक एक हिलर ने क्वीन को जिंदा रखा है भाई साहब, मजा आ गया। एक ही हिलर है एंड आर्चर क्वीन को जिंदा रखने का काम कर रहा है। पीछे से हम लोग आर्चर्स वगैरह डाल देंगे, यहाँ पे सुपर गॉब्लिंस, एंड ये हो गया गाइस हमारा 3-star अटैक इस बेस के ऊपर। एंड लूट हम लोगों को मिल चुकी है, अभी देखना ये पड़ेगा क्या हम लोग यहाँ से कर पाएंगे क्या। ओके, एलिक्सर आई थिंक थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, देखते बोनस वोनस अगर मिल जाता है तो अच्छा रहेगा भाई साहब। बोनस कितना, 1,35,000 का बोनस मिला है। ओके यार, फिर भी थोड़ा सा एलिक्सर कम पड़ गया। अभी हम लोगों को फिलहाल बिल्ड कर लेना चाहिए, यहाँ से हम लोगों को सब कुछ मिल चुका है। यहाँ से 6 वॉल रिंग्स हम लोग कलेक्ट करेंगे, रून ऑफ गोल्ड है तो कलेक्ट नहीं करेंगे, डार्क कलेक्ट करेंगे, बुक ऑफ बिल्डिंग कलेक्ट करेंगे,
रॉयल चैंपियन की स्किन कलेक्ट करेंगे एंड एक बुक ऑफ हीरो कलेक्ट करेंगे। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे और क्या कर सकते हैं, रॉयल चैंपियन 120,000 लेगी, आर्चर क्वीन को लेवल 70 करना है हम लोग, राइट। तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, रून ऑफ डार्क एलिक्सर यूज़ करेंगे। यार 86,000 डार्क एलिक्सर खामखा वेस्ट हो जाएगा, चलो कोई ना यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग बाद में फार्म कर लेंगे। तो क्वीन को करेंगे हम लोग लेवल 70, 1, 2, 3 गू, लेवल 70 की हमारी आर्चर क्वीन हो चुकी है। एंड उसके बाद हम लोग करना है हमारा स्कैटर शॉट, ये रहा स्कैटर शॉट, इसको हम लोग करेंगे यहाँ पे बिल्ड। ओके बिल्ड हो रहा है, 12 दिन का टाइम लेगा एंड हमारे पास गोल्ड खत्म हो चुका है। तो अभी यहाँ पे आएंगे, रून ऑफ गोल्ड यूज़ करेंगे, यहाँ से यहाँ पे आएंगे वापिस डिफेंसेस में, स्कैटर शॉट लगाएंगे यहाँ पे वापिस। तो भैया जी दो दो स्कैटर शॉट्स हम लोगों ने यहाँ पे लगा लिए। एंड अभी हम लोगों को जो अपग्रेड करनी है चीज़, वो है आर्मी कैंप। आर्मी कैंप के लिए थोड़ा सा एलिक्जर कम पड़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लेयर में चलेंगे, 27,000 एलिक्जर कम पड़ रहा है, तो यहाँ से हम लोग एलिक्जर की लूट मारेंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हम लोग एक बेस मिल चुका है जहाँ से हम लोग एलिक्जर कलेक्ट कर सकते हैं। ये देख लो, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्वीन डालेंगे, बुड्ढे को डालेंगे एंड दोनों की एबिलिटी साथ में दे देंगे, 1, 2, 3 गू, नाइस। चलो भैया जी लूट हम लोग को चुकी है मिल, एंड बैटल करेंगे, 1,00,000 एलिक्जर मिल गया। अभी हम लोग यहाँ से आराम से डाल पाएंगे हमारे आर्मी कैंप को, एंड आर्मी कैंप को करेंगे हम लोग फिनिश ना, 1, 2, 3 गू, क्या बात है गाइस, मजा आ गया। तो हम लोगों का 300 का हाउसिंग स्पेस कंप्लीट हो चुका है। कौन, मोगी भैया इज कॉलिंग। ओके गाइस, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली, अभी फिलहाल ये हमारी पहली वॉर है टाउन हॉल 14 अपडेट होने के बाद, तो हम लोगों को अटैक करना पड़ेगा वॉर के अंदर। एंड वैसे भी हमारा न्यू टाउन हॉल 13 है, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे बूस्ट आर्मी करेंगे एंड बूस्ट हीरोज करेंगे, ठीक है। तो हमारे हीरोज भी बूस्ट हो चुके हैं एंड हमारी आर्मी भी बूस्ट हो चुकी है, हमारे दो अटैक्स बचे, तो दोनों के दोनों अटैक्स लाइव करेंगे, पहले प्लानिंग करेंगे फिर लाइव हिट करेंगे। चलो भैया जी, सबसे पहले हम लोगों ने हाइब्रिड आर्मी ट्रेन करके रखी है एंड हाइब्रिड के लिए हम लोगों ने चूज किया नंबर 6 का बेस, ये रहा भाई साहब इस बंदे का बेस। एंड ये टाउन हॉल 13 पे बहुत ही ज्यादा फेमस बेस है, अगर आप लोग बताए तो इस बेस के ऊपर भैया जी कैसे 3-स्टार करना है, अभी चलो मैं आप लोग बता देता हूँ। चलो भाई साहब एक प्लान बता दो आप लोगों को, स्टार्टिंग में बलून के साथ ये दोनों टेक डाउन करना है, राइट। उसके बाद आर्चर क्वीन को आपको डालना है यहाँ पे, यहाँ पे अगर आर्चर क्वीन डाल देते हो तो आर्चर क्वीन ये सब फोड़ के अंदर ही जाएगी, ठीक है, अंदर टाउन के पास जाएगी, यहाँ पे वॉल ब्रेकर डाल देना है। तो आर्चर क्वीन यहाँ से अंदर ही आएगी, बाहर जाएगी ही नहीं। मैंने इस बेस को अब तक 25-30 बार 3-स्टार किया है सेम टू सेम आर्मी के साथ, ठीक है, तो बता रहा हूँ अगर आप लोगों को पता नहीं है इस बेस के ऊपर कैसे करते हैं। तो आर्चर क्वीन यहाँ से अंदर आ जाएगी, सीसी बाहर निकलते ही सीसी के ऊपर पॉइजन, सुपर मिनियन रहेगा तो पॉइजन और फ्रीज इन तीनों के ऊपर आ जाएगा, ठीक है, पॉइजन और फ्रीज इन तीनों के ऊपर, अगर सुपर मिनियन और हेड हंटर निकला तो। देन उसके बाद आर्चर क्वीन जिस भी साइड पे जाएगी, अगर इस साइड पे जाती है तो हमारा जो हाइब्रिड अटैक है वो यहाँ से चालू हो जाएगा, यहाँ पे किंग यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, किंग नीचे आएगा, एस बी भी यहाँ से नीचे आएगी एंड जो मेन हाइब्रिड अटैक है वो यहाँ से, एक सेकेंड, वो यहाँ से ऐसे हाइब्रिड अटैक होगा हमारा, ठीक है। एंड अगर हमारे आर्चर क्वीन इस साइड पे जाती है तो हमारा जो हाइब्रिड अटैक है सेम टू सेम यहाँ से चालू होगा, किंग यहाँ से नीचे जाएगा एंड एस बी यहाँ से नीचे जाएगा। तो भैया आपको अटैक ऐसे करना है कि क्वीन जहाँ पे जाएगी उस हिसाब से आपको अटैक को घुमा देना है, ठीक है, मतलब जैसा भी अटैक जाए लेकिन उस हिसाब से आपको अटैक को एग्जीक्यूट करना है, चाहे उस साइड जाए इस साइड जाए, आपके पास प्लान भी होना चाहिए भाई साहब। चलो भैया ये बेसिकली प्लान है हमारा, इजीली हो जाता है ट्रिपल एंड इसी आर्मी के साथ अभी हम लोग अटैक करने वाले हैं इस बेस के ऊपर। तो गाइज आर्मी है हमारी रेडी, चलो चलते गाइज अभी हम लोग नंबर 2 के ऊपर, सब कुछ ठीक है, लेट्स गो फॉर अटैक। हम लोगों ने बूस्ट कर दिया था हीरोज को और हमारे ट्रुप्स को, तो फिलहाल स्टार्टिंग में यहाँ पे हम लोग दो बलून डाल देंगे, फूट जाना चाहिए, फूट जाएगा, क्वीन को डालेंगे एक बलून एंड सारे सारे हीलर्स यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। अब वेट करना है आर्चर क्वीन, ये देखो सारी चीज़ें फोड़ के अंदर ही जाएगी टाउन हॉल के पास, बाहर घूमने का सीन ही नहीं है यहाँ पे, बस अभी हम लोगों को वेट करना है, आर्चर क्वीन अंदर जाने दो, वेट ही करना है, रेड स्पेल अच्छे से डाल देनी है हम लोगों को। अभी आर्चर क्वीन यहाँ पे विजिट टावर पे आएगी या फिर गोल्ड स्टोरेज पे आएगी, उसके बाद टाउनल पे आएगी, जब टाउनल पे जाएगी तब वॉल ब्रेकर डाल देना है। ओके अभी हम लोग डालेंगे यहाँ पे वॉल ब्रेकर, थोड़ा वेट करेंगे, 1, 2, 3 गू, वॉल ब्रेकर डाल दिया हम लोगों ने, नाइस। यहाँ पे रेड स्पेल यूज करने की कोई जरूरत है नहीं, अगर यहाँ पे ग्राउंड एक्सपोज होते तो वो क्वीन को टारगेट करना स्टार्ट करते, तब हम लोग यहाँ पे रेड स्पेल यूज कर सकते थे। अभी देखना यहाँ से क्वीन इस साइड पे जाएगी या इस साइड पे जाएगी एंड उसके बाद अंदर ही आएगी, यहाँ पे एक रेड स्पेल डाल देंगे हम लोग, ओके नाइस। यहाँ पे कहीं पे भी जाने दो, अंदर आ गई हमारी आर्चर क्वीन, लेट्स सी सीसी के अंदर इन लोगों ने क्या रखा हुआ है। ओके गाइस सुपर मिनियन रखा हुआ है, तो हम लोगों ने देखो फ्रीज और पॉइजन दोनों एक साथ डाल दी, राइट।
ओके अभी वेट करना है हम लोगों को, और यहाँ पे एक और रेज स्पेल हम लोगों को डाल देनी है। नाइस, तो यहाँ से हमारी आर्चर क्वीन दोनों के दोनों ये स्कैटर ले लेगी, एक तो ले लिया, सीसी भी ले लेगी एंड स्कैटर भी ले लेगी। अभी देखना ये है क्वीन जाती किस साइड पे। ओके इस साइड पे जा रही है राइट, तो यहाँ पे हम लोग एस बी डाल देंगे किंग एंड यहाँ से हाइब्रिड स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने। ओके देखो किंग और एस बी के जो ट्रुप्स है वो नीचे जाने चाहिए कुछ भी हो जाए भाई साहब। यहाँ पे एक हील स्पेल डाल देंगे हम लोग, आई थिंक थोड़ा गलत डाल दिया मेरे हिसाब से, कोई दिक्कत ना है। यहाँ पे एक हम लोग सुपर वॉल ब्रेकर डालेंगे जिससे कि किंग अंदर घुस जाए ईगल कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो क्वीन के पास अभी भी एबिलिटी बची हुई है, यहाँ पे नीचे क्लीनअप का काम हो रहा है, किंग की एबिलिटी दे देंगे। क्वीन वॉल के ऊपर लॉक दे, तो यहाँ पे एक रेड स्पेल डाल देंगे क्वीन के ऊपर, थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे दो हेड हंटर डाल देंगे हम लोग, 1 2 3 बुड्ढे की एबिलिटी दे दी हम लोगों ने यहाँ से। ओके अभी एक मिनट का टाइम अभी बचा हुआ है, सीसी के हॉक्स निकल चुके हैं बाहर। यहाँ पे देख लो बहुत सारे ट्रुप्स अभी भी बचे हुए हैं हमारे पास एंड फ्रिज स्पेल भी बची हुई है हमारे पास। तो भाई साहब लेजेंड लीग में इस बेस को मैंने इतनी बार 3 स्टार किया ना कि भाई साहब अगर रात को बीच सपने में से भी मेरे को कोई उठाएगा ना तो भी मैं 3 स्टार कर दूंगा इस बेस को। तो यहाँ पे डाल देंगे एक फ्रिज स्पेल हम लोग स्केलेटन्स के ऊपर और इसके ऊपर। यहाँ पे एक यटी आ जाएगा, यहाँ पे एक विजर्ड मिनियंस आ जाएंगे, यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर एंड सब कुछ आ जाएगा, खत्म भाई साहब आरसी एबिलिटी एंड ये बेस हो चुका है गाइस 3 स्टार। तो भैया जी हम लोगों ने कर दिया इस बेस को 3 स्टार, अभी हम लोग करने वाले हैं एक और बेस को एंड इस बेस को हम लोग करेंगे हमारे एयर अटैक के साथ। तो गाइज ये वाला अटैक तो हो चुका है अभी 3 स्टार, अभी हम लोग नेक्स्ट अटैक करने वाले हैं नंबर 8 के ऊपर। ओके गाइस तो हमारी सेकंड आर्मी ट्रेन हो चुकी है एंड सेकंड हम लोग एयर अटैक करने वाले हैं जो कि हमारा ब्लिजर्ड लावालून। अगर हम लोग देखेंगे नंबर 8 का बेस, एंड मैंने आप लोगों को एक चीज बताई है, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना भाई साहब, अगर सारे के सारे हीरोज आपको एक साथ मिल रहे तो आपको मैस हॉक करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैस हॉक से भी ज्यादा वैल्यू हम लोग मिल रही है ब्लिजर्ड लावालून के साथ। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लावा डालेंगे स्टार्टिंग में एंड उसके पीछे ब्लिम डालेंगे, ब्लिम को यहाँ पे फोड़ेंगे, यहाँ से अगर फोड़ेंगे तो ये सारी चीजें हम लोग को मिल जाएंगी। एंड यहाँ पे हम लोग सुपर वॉलपेपर डाल के 2 आइस गोलम डाल के किंग क्वीन के साथ ये पूरा कंपार्टमेंट डाउन करेंगे एंड हो सके तो ये भी डाउन करेंगे। उसके बाद पूरा क्या बचता, क्या आप बताओ क्या बचता है भाई साहब। चलो भाई साहब अभी हम लोग करेंगे इस बेस के ऊपर लाइव अटैक, प्लानिंग की भी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, लेट्स गो फॉर अटैक गाइज। बिना प्लान के अभी हम लोग अटैक, बिना प्लान मतलब प्लान है मेरे पास लेकिन मैंने आप लोगों को समझाया नहीं है, ठीक है। इजी सा बेस है, यहाँ पे लावा डाल देंगे, यहाँ पे ब्लिम डाल देंगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वेट करेंगे हम लोग, यहाँ पे ब्लिम को जाने दो पहले अंदर, सुपर मिनियन अगर निकल जाता है तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी एंड निकल चुका है। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने रेड स्पेल डाल दिया, ठीक है, इनविजिबिलिटी एक और। ओ भाई बच गए बच गए बच गए बच गए, यहाँ पे एक और इनविजिबिलिटी आएगी, लेट्स होप कि यहाँ से टाउन हॉल को टेक डाउन कर ले एक और इनविजिबिलिटी एंड हो सके तो ईगल अगर मिल जाए तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा। और क्या बात है गाइस ईगल मिल गया, अरे ओ मल्टी नहीं मिल पाया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एक सुपर वॉल ब्रेकर डाल देंगे, यहाँ पे आइस गोलम किंग क्वीन हेड हंटर्स, खत्म कहानी भाई साहब। अब कुछ नहीं बचा यार इस बेस के ऊपर, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को ये स्कैटर भी मिल जाएगा एंड 2 मल्टी बच जाते हैं एंड उसमें से भी एक मल्टी की जो हेल्थ है वो बहुत ही कम है, तो हम लोग वो मल्टी आरसी के साथ निकाल लेंगे, किंग की एबिलिटी मार देंगे यहाँ पे। लेट्स होप कि आर्चर क्वीन के साथ हम लोगों को ये वाला स्कैटर मिल जाए, मजा आ जाएगा। मिल पाएगा क्या, मिल पाएगा क्या, मिलना तो चाहिए भाई साहब, अरे यार नहीं मिलेगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे यहाँ पे, हो सके तो क्या हम लोग इसके साथ निकाल पाएंगे, आरसी के साथ स्कैटर निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि स्कैटर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना कि इन्फिर्नो। अगर स्कैटर निकल जाता तो इन्फिर्नो के लिए आरसी यूज कर लेते, तो प्लान हम लोगों ने कर दिया चेंज। लेवल 8 की रॉयल चैंपियन है हमारे पास, एबिलिटी खत्म भाई साहब, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ बचा नहीं है, अरे यार लगभग 50% की वैल्यू निकाल ली, देखो मल्टी भी निकाल लिया। तो यहाँ से लावा लून स्टार्ट, कुछ नहीं यार कुछ नहीं बचा है बेस के ऊपर, ये खत्म है गाइस। पीछे से मिनियंस वगैरह आ जाएंगे, 2 बलून्स यहाँ पे, यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन, ये बुढ़ा डालने की आई थिंक जरूरत है ही नहीं, ग्रैंड वार्डन डालूंगा ही नहीं मैं, ठीक है, बिना ग्रैंड वार्डन के ये अटैक हो जाएगा ये ट्रिपल। यहाँ पे एक फ्रीज डाल देंगे भाई साहब, क्या ही ओवर पावर आर्मी है यार ये, लेकिन ये आर्मी तभी काम करेगी गाइज जब आपको कॉम्पैक्ट चीजें मिलेंगी, कॉम्पैक्ट डिफेंस मिलेगा। यहाँ पे देख लो बिना ग्रैंड वार्डन के एंड 5 स्पेल का स्वैग, मतलब वैसे भी यार अगर वो स्कैटर मिल जाता तो विदाउट आरसी हम लोग निकाल लेते इस बेस को, तो ये स्पेल जो बचे हुए इनका क्या ही कर लेंगे।
तो स्वैग कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो चुका है गाइज हमारा थ्री स्टार अटैक ब्लिजर्ड लावालून के साथ। बड़ी पावरफुल आर्मी है, कॉम्पैक्ट बेस पे बिल्कुल आप लोगों को यूज करनी चाहिए। तो आते हैं वापस एंड देखते हैं क्या रिजल्ट रहा। हमारे टोटल 30 अटैक्स हो चुके हैं एंड 30 में हमारे हो चुके हैं 77 स्टार्स, एनिमी के 39 में 76, मतलब सही जा रही है गाइज वॉर। तो बस गाइज यही थी आज की हमारी टाउन हॉल 14 की वॉर, टाउन हॉल 13 की वॉर। और टाउन हॉल 13 पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बिल्ड कर ली, जैसे कि ये दोनों चीज़ें बिल्ड कर ली हम लोगों ने, क्वीन को कर लिया हम लोगों ने, ये आर्मी कैंप मैक्स कर लिया। अभी हम लोगों को वॉल्स करनी है एंड हीरोज को भी मैक्स करना है। फिलहाल जो हमारे पास पैसा था वो पैसा खत्म हो चुका है, तो बहुत जल्दी हम लोग पैसा वापस भरेंगे एंड वापस मिलेंगे आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए बस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, मैं मिलता हूं आप लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।